काश मैंने आपने मजा दिया। शहरों में ओपन जगहों में फेंक देते हैं और वो होती है काबिल इस्तेमाल, तो उसको इस्तेमाल ना करते हुए और आज हमने प्रतिज्ञा करनी है कि हम अपने शहर को साफ और सुथरा रखें। मेरी लाइफ मेरा स्वस्थ शहर, मैं प्रतिज्ञा के लिए अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा। मैं ये भी वचन देता हूँ कि अपने परिवार मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में शुक्रिया। रसूल अहल करीम अहमदाबाद फौज बिल्लाजीम बसमिल्लाहमान। ऑनरेबल प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी सुनकोट, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी सुनकोट, ऑनरेबल काउंसलर्स जनाब डॉक्टर ममता साहब, दीगर मुअज्जज शहरी व म्यूनसिपल कमेटी के एम्प्लाइज, जैसा कि आप सबको आज के दिन के मुतल्लक मालूम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज रिड्यूस रीयूज और रीसाइकल पर एक प्रोग्राम जो है पूरी इंडिया में लॉन्च किया है, जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में चल रहा है। इस जिम्मन में म्यूनसिपल कमेटी सुनकोट ने मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर के तहत यहाँ पर रिड्यूस रीयूज और रीसाइकल के मुद्दे पर एक प्रोग्राम शुरू किया है। अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है, जिसमें मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर प्रोग्राम के तहत यहाँ पर 15 दिन का एक प्रोग्राम म्यूनसिपल कमेटी सुनकोट की तरफ से चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि ऑल सिटीजन्स कैन बी कंट्रीब्यूट टू ऑल आइटम्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपके घरों में जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं, चाहे वो पुराने शूज़ हैं, पुराने कपड़े हैं, पुरानी किताबें हैं, पुराने खिलौने हैं या गमले हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपके इस्तेमाल के लिए नहीं है। यहाँ पर एक 15 दिन का कैंप लगाया गया है, आप तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है वो डोनेट कीजिए, यहाँ पर आके दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी चीज़ें घर की इस्तेमाल की नहीं है वो यहाँ कैंप में आप जमा करवाइए और यहाँ से चीज़ें जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो उन तक पहुँचाई जाएंगी, ताकि जो चीज़ आपके इस्तेमाल में ना आ सके वो किसी गरीब के काम आ सके। तो मैं ये समझता हूँ कि वक्तन फक्तन आपने देखा कि अर्बन लोकल बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और म्यूनसिपल कमेटी सुनकोट की तरफ से ऐसे कई अभियान जो है वो सुनकोट में चलाए गए, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो या जितनी भी चीजें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो की जाती है उसको जमीनी सतह पर इम्प्लीमेंट करने के लिए म्यूनसिपल कमेटी हमेशा जो है पहल करती है। और आज भी म्यूनसिपल कमेटी ने पहल किया। मैं अपने तमाम म्यूनसिपल एरियाज के लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने घरों से तमाम ऐसी चीज़ें जो ज़रूरियात के काबिल नहीं है आप इस जो है कैंप में लाइए। यहाँ पर ये 15 दिन कैंप रहेगा, यहाँ आके जो है उसको डोनेट कीजिए ताकि उसका बेनिफिट जो है दूसरे भाइयों को जो है वो मिल सके। आज ही आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस कवरेज को करने के लिए आए हैं। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स की तरफ से ये जो RR सेंटर हैं ये पूरे भारतवर्ष में लगाए गए हैं, जिसमें हमें यह बताया गया है कि ये रिड्यूस कैसे होता है, रीयूज कैसे होता है और रीसाइकल कैसे होता है। जैसे घर में जितनी भी खराब चीज़ें आपकी पड़ी हुई हैं उनको हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं, रीसाइकल कर सकते हैं। तो इसी के लिए सुनकोट बाज़ार में हमने एक सेंटर लगाया हुआ है और हमारी पूरी म्यूनसिपल कमेटी जो है वो यही चाहती है कि हमारा जो शहर है वो स्वच्छ रहे। तो प्रधानमंत्री मोदी साहब का भी यही कहना है कि मेरी लाइफ
मेरा स्वच्छ शहर, तो ये हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग जो हैं इसको साफ, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है आज आप देख रहे हैं कि जो बारिशें हो रही हैं बिन मौसम के बारिश हो रही है, तो ये उसी का असर है कि हमारा जो एनवायरमेंट है पूरी तरीके से आलूदगी से भर गया है, तो उसको हमने कैसे करना है ये हमने पहल करनी है ताकि इस शहर को हम और स्वच्छ और सुथरा बना सकें।